हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हुए। तो आप सोच रहे हो ये सुबह सुबह मैं कहाँ जाने लगी, तो मैं आई थी बब्बू को छोड़ने स्कूल, तो इनकी बाइक का पिंचर हो गया, तो अब हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल घर पे। तो पिंचर की दुकान मिल नहीं रही है, देखते हैं कहाँ मिलेगी, जब तक हम पैदल पैदल चल रहे हैं। तो जी सुबह सुबह हो गया, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, बहुत ज़्यादा दूर दौड़ा दिया, मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा। स्कूल थोड़ी बहुत दूर नहीं है, 4 किलोमीटर है, इतना दूर दौड़ा दिया मुझे। तो देखते हैं रास्ते में मिलती है कि नहीं शॉप पिंचर की। तो जी मिल गई है पिंचर की शॉप, ये रही, बहुत दूर जाके मिली है, कतई हाईवे पे, इतनी दूर वॉक करवा दी आज ना। तो जी देखिए बाइक खोल ली है इन्होंने और यहाँ पे टायर निकाल लिया, तो ये ट्यूब निकाल लिया, तो 3 कील निकली हैं, अभी आपको दिखाऊंगी वो 3 कील। सुबह सुबह तगड़ा वाला खर्चा कूद के एकदम पड़ा हमारे ऊपर। तो जी देखिए ये 3 कील निकली हैं, अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 3 कील। तो अब ट्यूब चेंज ही करवानी पड़ेगी, इतनी सारी कीलें घुसी पड़ी हैं, तो नहीं तो थोड़ा बहुत ही खर्चा होता। अब तगड़ा वाला हो गया, सुबह सुबह हो गया मूड ख़राब बहुत ज़्यादा, बिना बात के सुबह सुबह खर्चे कूद जाते हैं हमारे ऊपर, तगड़ा वाला खर्चा हो गया। तो अब हम चल दिए घर पे। तो जी मैं यहाँ से कुछ जड़ी बूटी लेके जाऊंगी, जो कि कोरोना में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और सेकंड मतलब आपका फैट भी कम करेगी। तो मेरे को मम्मी ने बताई थी ये जड़ी बूटियाँ, तो मैं यहाँ से रोड पे से ले रही हूँ। तो उसके बाद हम इसका बनाएंगे काढ़ा और फिर पियेंगे। तो मैं एक दिन बाद काढ़ा बनाती हूँ, क्योंकि आज ले जाऊँगी तो वो मैं अच्छे से 15-20 बार धो के अच्छे से धोना है, क्योंकि रोड की है ना ये, तो 15-20 बार धो के मैं पानी में डुबा के रख दूँगी और कल सुबह मैं 5 बजे उठूँगी ना वॉक करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए, तब जाके पीऊँगी। तो एक दिन बाद पीती हूँ, तो मैं इसमें तो दिखा नहीं पाऊँगी आपको काढ़ा बना के, नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखा दूँगी। तो जी यहाँ पे हस्बैंड ले रहे हैं अपने लिए कचौड़ी, उनका मन कर गया सुबह सुबह खाने का। तो ये हैं शीशम के पत्ते और ये हैं भांग के पत्ते और ये हैं नीम के पत्ते, ये नीम के पत्ते हैं। तो ये 3 वैरायटी, तो इन तीनों का मिक्स बनाऊंगी मैं शेक जड़ी बूटियों का। और मम्मी ने बताया था दिल्ली वाली ने के मतलब इससे ना कोरोना में इम्यूनिटी भी मतलब घटती नहीं है और फैट भी कम होता है। तो मैं 4-5 दिन हो गए मैं बब्बू को छोड़ने जाती हूँ ना, तो रोडों पे लगे रहते हैं, मैं अच्छे से ना इनको बहुत बार धोती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। तो वैसे जब से मैंने ये पीना स्टार्ट किया है ना, घबराहट बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी को ना हल्का फील होता है। तो मैंने कहा क्या जा रहा है, फ्री की चीज़ें पी लेंगे यार, और नीम से तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं आपको सबको पता ही है। तो यहाँ पे हस्बैंड का मन कर गया कचौड़ी खाने का, तो उन्होंने कचौड़ी पैक करा ली और ट्यूब में तो बाइक में लग गए सुबह ही सुबह भयंकर वाले पैसे, क्योंकि पूरी ट्यूब चेंज करवानी पड़ी, क्योंकि उसमें 3 कील निकली। तो मैं फटाफट इनकी कचौड़ी निकाल लेती हूँ और फिर मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं डाइट पे हूँ, क्योंकि तो इन्होंने अपने लिए लिए सिर्फ मेरे लिए नहीं ली, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। ये है कचौड़ी, आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो ये लिया है वहाँ पे बूंदी और रायता, रायता बनाएंगे खाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो डाइट पर हूँ। तो मैं पीऊँगी मैंगो शेक, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए सुबह मैंगो शेक बनाया था, क्योंकि कल नहीं बना पाई थी, लाइट ही नहीं थी, स्कूल से आ गए इसलिए सुबह बना लिया था। तो आप भी सब पियोगे ना, अभी लेके आती हूँ मैं फटाफट मेरा मैंगो शेक, और यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें नारियल का बुरादा, तो ड्राई फ्रूट है नहीं मेरे पास, तो हम लोग तो भाई गरीब लोग हैं, नारियल के बुरादे से ही डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है नारियल का बुरादा। पहले हम स्कूल पढ़ते थे ना,
तो ऐसा मैंगो शेक जरूर पीते थे स्कूल से आते हुए, 10 रुपए का, तो उसमें नारियल के बुरादे डालते थे वो लोग, बहुत टेस्टी लगता था। तो मैं पहले सोचती रहती थी पता नहीं क्या डालते हैं, लेकिन मैंने ये पिया ना डाल के, तो मैं कह रही हूँ ये तो वही वाला टेस्ट है यार, स्कूल टाइम वाला, तो मज़ा आ गया। तो सुबह तो मैंने वो काढ़ा पिया था जो मैं अभी लेके आई हूँ ना पत्ते, तो वो मैं सुबह सुबह बना के पी लेती हूँ, तो उसके बाद मैं 1-2 घंटे कुछ नहीं लेती। अब मैं जूस पी रही हूँ, चाय वाय नहीं, दूध वूध कुछ नहीं पी रहा, पी रही मैं। तो ये देखिए हमारा मैंगो शेक, इसमें मैंने डाल लिया नारियल का बुरादा, तो आप लोग भी पी लीजिए। और ये खा रहे हैं यहाँ पे कचौड़ी, बहुत टेस्टी है। ये देखिए नारियल का बुरादा डालने के बाद ना चम्मच से खाओ, मज़ा ही आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। चम्मच से खाओ नारियल का बुरादा डाल के, थोड़ा थोड़ा मजे लेते हुए। आपको मजा आ गया? सुबह सुबह पार्टी कर रहे हैं ये तो, और हम कंट्रोल कर रहे हैं। अभी देखो वहां पे कपड़े रखे हैं तल के सूखे हुए, क्योंकि रात को मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। और ये देखो मैंने चादर भी चेंज कर रखी है बेड की, धो दी थी तो अभी चेंज करनी बाकी है मतलब, तो अभी थोड़ी देर में सारे कपड़ों की तह लगाऊंगी और चादर चेंज करूंगी। पहले मैं पी लेती हूँ शेक आराम से बैठ के, तो आप भी आ जाइए पी लीजिए, बाद में मत कहना बुलाया नहीं। तो जी शेक वेक पी के मैं तो आ गई हूँ ऊपर, इतना बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा था सुबह जब मैं आई थी 5 बजे एक्सरसाइज करने के लिए, इतना ज़बरदस्त मौसम लग रहा था, एसी चल रही हो, भगवान जी ने इतनी प्यारी एसी चला रखी थी। अभी भी ठीक ठाक है मौसम, इतना गर्म नहीं है। दिखाती हूँ पर्पल कलर के फूल खिले हैं थोड़े से, ये देखिए प्यारे प्यारे से, ये देखिए ये वाला जो गमला है ना इसमें ये वाले लगे हुए थे, तो दीदी ने ये वाले लगा लिए कल निकाल के ना, जो मैं कह रही थी ना कि नर्सरी जाएंगे, तो हम लोग नर्सरी गए नहीं थे, तो इस वाले के हमने निकाल के 2 में लगा लिए। ये दीदी के 2 खाली थे ना, एक इसमें लगा लिया और एक कहाँ, एक इसमें लगा दिया, तो दीदी के दोनों गमले भर गए। तो हमने सोचा जब फ्री में काम हो रहा है तो क्या फ़ायदा नर्सरी जाने से, इसलिए हम लोग गए नहीं नर्सरी। मेरे भी कई प्लांट्स ना सूख गए हैं बिल्कुल ना, धूप में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल सदाबहार का क्या हाल हो गया, सूख गया पूरा। उखाड़ दूंगी इनको, उखाड़ के फुलवाड़ी लगा दूंगी। तो अभी तक ना एक भी फुलवाड़ी में फूल निकला नहीं है, क्योंकि जैसी फुलवाड़ी बड़ी होती है तो मैं दूसरे में लगा देती हूँ, उसको तोड़ के कटिंग आदि, तो दूसरे उसमें लगा देती हूँ। और इसके फ्लावर तो मैंने आपको कल दिखाए थे, बहुत सुंदर खिल रहे हैं। रात को ना आंधी आई थी, हम सो गए थे जब, तो ये ना प्लांट सुबह आई थी ना 5 बजे, तो गिरा हुआ मिला था मुझे, फूल भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे, अब सही हो गए। लेकिन ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, है ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज जो मैंने कुर्ता बनाया मस्त वाला, वैसे तो मैं वही पहन के जाती आज बब्बू को छोड़ने ना, लेकिन उसमें तुरपाई नहीं हो रखी थी, तो मैंने कोशिश भी की कि जल्दी जल्दी कर लूँ, तो मैं नहीं कर पाई, सिर्फ बटन ही लगा पाई हूँ। यहाँ पे ना मैंने बटन लगाए हैं, बहुत सुंदर से बटन लग रहे हैं, तो वो बटन मेरे पास पड़े ही थे, मैचिंग के नहीं है हालाँकि, तो मैंने कहा चलो छोड़ो ना, कौन मार्केट जाएगा और फिर पैसे खर्च करेगा जब घर में है, तो इसी से हम डेकोरेट करेंगे अपने सूट को। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सूट बन के आया है, मैं आपको दिखाऊँगी, पहन के दिखाऊंगी मैं आपको, है ना, ऐसे दिखाऊंगी तो आपको ना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जी आज मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करूंगी, पता है क्या करती हूँ मैं, एक दिन का गैप दे देती हूँ इंस्टाग्राम पे और टकाटक पे मौज पे, तो
एक दिन का गैप दे देती हूँ ना, तो एक जब दूसरे दिन बनाती हूँ तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, तो इसलिए मैं एक दिन का गैप दे देती हूँ ताकि यार अच्छे से रेडी वेडी ना होना पड़े। और फिर यहाँ पे लाइट वाइट नहीं रहती ना, गर्मी में बिल्कुल मन नहीं करता सूट करने का ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आज मैंने ये वाला कुर्ता डाला है, ये देखिए, मैं हर कुर्ते के साथ यही वाली लेगी डाल लेती हूँ, सुंदर लगती है, मल्टी है ना तो सब पे चल जाती है। ये वाली लेगी मैंने बहुत ही सस्ती ली थी, बुध बाज़ार से ली थी मैंने, 300 की दो ली थी और काफ़ी अच्छा कपड़ा निकला और कितनी कम्फर्टेबल है आप सोच नहीं सकते, कम्फर्टेबल बहुत है गर्मी में ना। तो अभी तो काफ़ी तेज वाली धूप निकल गई, आप देख रहे होगी, चलते हैं नीचे, चलते हैं देखते हैं, आपको दिखाऊंगी मैं कुर्ता ना, पहले तुरपाई कर लूँ उसके बाद पहन के दिखाऊंगी अच्छे से, फिर आपको समझा पाऊंगी मैं दिखा के, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सुंदर सा बन के आया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। मैं कल आपको बता रही थी ना कल वाले व्लॉग में कि मेरे को डाउट हो रहा है कि पता नहीं कैसा बनेगा और वीडियो मैं डालूं या ना डालूं उसकी स्टिचिंग की। तो मतलब मैंने जब पहना ना गाइस, मतलब इतना ऑसम लुक आया कि मैं खुद ही बिलीव नहीं हो रहा मुझे कि मतलब मैं इतनी अच्छी सिलाई कैसे कर सकती हूँ। तो ये तो थी मजाक वाली बात, ऐसे कुछ नहीं है, मेरे से भी अच्छी अच्छी वो बैठी हैं, मतलब टेलर बैठे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, पैर की जूती भी नहीं हूँ। तो जी अपना तो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे मैं जो एक बार दिखाया था, वो मेरी फ्रेंड है ना एक, इधर मीनाक्षी नाम है उसका, तो उसने मुझे वो कुर्ता दिखाया था कि मेरा ऐसे बना दियो, तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं अपना बना के देखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ना किसी के कपड़े के ऊपर ट्राई नहीं करनी चाहिए, कहीं ख़राब हो जाए। तो मैंने सोचा कि जो मम्मी ने अभी भेजे थे ना दिल्ली से कपड़े, तो मैंने सबसे सस्ते वाले कपड़े में ना वो ट्राई किया तो इतना सुंदर ऑसम लुक आया ना, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आपको दिखाऊंगी, आपको भी यकीन नहीं होगा, बहुत सुंदर लग रहा है पहन के। अदरवाइज मुझे फ्रॉक कुर्ता है वो थोड़ा, तो फ्रॉक कुर्ते इतने ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, ऐसे सिंपल कुर्ते बहुत पसंद है, कहीं भी पहन के चले जाओ कैसे भी कंफर्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दिखाऊंगी मैं आपको नीचे चल के ना। और रात को लाइट आई थी हमारी 11 बजे, दोपहर की 12 बजे की गई हुई, जब बब्बू आई थी ना 1 बजे सॉरी, तो जब की गई हुई, बब्बू से पहले ही चली गई थी मतलब लाइट, जब की गई हुई आई है 11 बजे रात को। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे नहीं आती लाइट, बड़ा दुखी है। और इतनी गर्मी में लाइट के बिना रहना इम्पॉसिबल। निकले हैं बोगनविला में फूल, तो बारिश के बाद देखिए कितनी हरी हरी हो गई। और ये देखिए ये निकले हैं सदाबहार में फूल, और ये येलो कनेर में निकल रहे हैं फूल। और बस ओ वाह इसमें निकला है आज ना छोटा सा फूल, अभी खिला नहीं है पूरी तरह, खिल जाएगा। यहाँ निकला है एक फूल और इसमें कलियाँ निकल रही हैं दोबारा से ना कनेर में, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए येलो कनेर में यहाँ पे निकले हैं फूल, ये देखिए, ये देखिए, और इसमें निकले हैं आपको दिख ही रहे हैं, ये देखिए इसमें भी कलियाँ दोबारा निकल रही हैं, है ना आपको दिख रही हैं कलियाँ, दिख रही होंगी आई होप। तो बस एक फूल इसमें निकल रहा है आज गुड़हल का, अंदर की साइड निकला है थोड़ा सा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी पूरी तरह खिला नहीं है, ये पूरा खिल जाएगा अदरवाइज, ये कल का फूल है जो कि मुरझा गया है। तो इसमें निकले हैं फूल, और बस ये वाले दूसरी चंपा है जो इसमें निकले हुए हैं। एक्चुअली मैं इसमें दो कलियाँ निकली थी, एक इधर की साइड भी निकली थी, लेकिन ना वो गलती से मेरे हाथ से ही टूट गई, एकदम नीचे जाके पड़ी धुड़ुम। मैंने इनको 10-15 बार अच्छे से ऐसे मसल मसल के धोया, तो आप देख सकते हैं पत्तियाँ भी टूट गई हैं मसल के धोने से। अब मैं इसको पानी में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी और कल सुबह बनाऊँगी, सुबह सुबह 5 बजे फिर पीऊँगी। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ काला नमक इसमें मिलाना है 1 चम्मच और इसको पीस लेना है और फिर छान के और पी लेना है। सो हे गाइस,
तो मैं कुर्ते का आपको लुक नहीं दिखा पाई इस वाली वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ज़रूर दिखा दूंगी। मैंने शूट तो कर लिया, लेकिन वीडियो मेरा व्लॉग हो रहा है 20 मिनट का, तो मैं इतना बड़ा व्लॉग नहीं डाल सकती हूँ। इसलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पक्का ये दिखा दूंगी, जो मैंने शूट कर लिया है ना, तो वो मैं 2 व्लॉग में ऐड कर दूंगी, एक ये अलग से और वो वाला अलग से शूट वाला, तो मैं आपको दिखा दूंगी पक्का। कहीं आप यूँ बोलो कि पूरे व्लॉग में कुर्ता दिखाऊंगी 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 बोलती रही और दिखाया नहीं, ये क्या अजीब लड़की है यार। तो ठीक है गाइस, मैं पक्का आपको दिखा दूंगी इससे नेक्स्ट वाली में। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।